अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज फ्राइड राइस। बहुत सारा पानी ले लिया है, आधा पाव किलो बासमती चावल भिगो दिया, उसके हिसाब से एक टीस्पून भरकर नमक डालेंगे इसमें। चावल का पानी उबल रहा है, ये भिगोए हैं मैंने पाव किलो बासमती चावल, इसमें ऐड कर देंगे। एटलीस्ट आधे घंटे तक आपको चावल को भिगोना है। चावल बॉईल हो चुके हैं 80% तक, अब मैं इसको ड्रेन कर रही हूँ पानी को। इसके हाफ कप तेल गरम हो रहा है, ये मैंने लिया है 15 हरी मिर्चियाँ कटी हुई, एक बंच लहसुन का है छोटा सा, और 3 मैंने स्प्रिंग ऑनियन ली है वाइट और इसकी ग्रीन। तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को लो कर देंगे, हरी मिर्ची और लहसुन इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद वाइट प्याज ऐड कर देंगे, स्प्रिंग ऑनियन की मिक्स कर देंगे। फ्लेम को स्लो रखेंगे। ये मैंने लिया है 175 ग्राम्स कैरेट, 175 ग्राम्स फ्रेंच बीन्स, 175 ग्राम्स कैबेज, 175 ग्राम्स मीन्स आधा पाव। पहले सबसे पहले कैरेट ऐड कर रही हूँ इसमें। फिर फ्रेंच बीन्स ऐड कर रही हूँ। दोनों भी चीज़ें हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। दो मिनट तक मैंने कैरेट और फ्रेंच बीन्स फ्राई कर दी है, मैं इसमें कैबेज ऐड करूंगी। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें, 1 टेबलस्पून विनीगर ऐड करेंगे वाइट विनीगर, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे, 1 और टेबलस्पून ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने लो रखा है, हाफ टी स्पून अजीनोमोटो ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, मिक्स कर देंगे। सब्जी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, क्रंची क्रंची है, बहुत ज़्यादा इसको हमको पकाना नहीं है। सब्जी मैंने आधी निकाल ली है, आधी मैंने वॉक में रखी है। चावल जो मैंने निथार दिया है, स्ट्रेन कर दिया है, आधा इसमें ऐड कर देंगे। और आधा सब्जी के लिए, आधी सब्जी के लिए बाकी रखेंगे। अब फ्राई कर देंगे, नमक ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। चावल मैंने बाकी के भी इसमें ऐड कर दिया है,
बाकी की सब्जियां भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, फ्राई कर दिया है। एक टेबलस्पून और मैंने सोया सॉस ऐड किया है इस पे, स्प्रिंग ऑनियन की ग्रीन से गार्निश कर देंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया था चावल और सब्जी को, अब ये बिल्कुल तैयार है, मिक्स कर देंगे। वेज फ्राइड राइस तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।